बिहार के जहानाबाद में मंगलवार को खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान लगभग एक दर्जन ग्रामीण झुलस गए हैं। सभी घायलों को आनन फानन में गांव के लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ लोगों का सकुराबाद में इलाज चल रहा है तो कुछ का सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घायलों में चार की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद PMCH भेजा जा रहा है। चकुराबाद थाना क्षेत्र के नौआवा गांव में मंगलवार की रात लालदेव शर्मा के घर में गैस सिलेंडर पर खाना बन रहा था। इस दौरान सिलेंडर लीक करने लगा। सिलेंडर के लीक होते ही उन्होंने शोर मचाया। शोरगुल होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और बालू पानी से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसी क्रम में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होते ही गणेश शर्मा, गोलू कुमार, संतू सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में चार की स्थिति ज्यादा खराब है। इस घटना में कई लोगों को अफरा तफरी के दौरान भी चोटें लगी है और कई लोग सिलेंडर के आग से झुलस गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घायलों को देखने के लिए गांव से भारी संख्या में लोग सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंचे हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की छानबीन करने में जुटी है। पुलिस अधिकारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि नौआवा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, इसके कारण ये घटना घटी है। कई लोग रास्ते में भी आ रहे हैं, कई लोग सदर अस्पताल पहुंचे हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। तो गैस सिलेंडर फटने से घायल हो गए हैं। कितने लोग? अभी तो प्रोजेक्ट में चार आदमी आए हैं। अच्छा, बाकी? बाकी अभी रास्ता में। कहाँ की घटना है? नौआमा के। क्या स्थिति है सब लोग की? ठीक है अभी। क्या सूचना मिली सर आप लोगों को? सिलेंडर फट गया है, उससे लोग कुछ जल गए। यहाँ तो क्या देखा? यहाँ है तो ठीक है। अच्छा, इलाज चल रहा है। कैसे क्या हुआ? ऊपर में गैस था, मतलब कि लहर रहा था। अब आदमी सोचा कि शॉर्ट सर्किट से, आदमी पूरा चढ़ गया छत पर, एक बैक ब्लास्ट किया सर, बहुत इधर से उधर गिरा गया। कितने लोग इसमें झुलस गए? 10 के लगभग है। 10? अच्छा, तो सिर्फ हल्का फुल्का घर पर भी रह गया, हल्का छोटा हिस्सा है। अच्छा, तो महिला लोग भी इसमें शामिल है? ना, महिला नहीं है, खाली चाहिए। तो जो भी झुलसा गाँव के हैं कि घर के लोग भी? सब गाँव के। सब गाँव के? हाँ। तो आग कैसे लगा था? वो मतलब कि गैस लीक कर रहा था, गैस से आग लहर गया और गांव के आदमी सोचा कि शॉर्ट सर्किट से लहरा। हाँ, छत पर सब चढ़ गया बुताने के लिए, मैं ब्लास्ट कर दिया गैस। अच्छा, कहाँ की घटना है? नौआमा। क्या नाम हुआ? थाना पड़ता है रतनी फरीदपुर में। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सुशील शर्मा। हम तो जस्ट अभी पटना से नौआमा गाँव में इन किए, उसी समय भीड़ इकट्ठा देखे ग्रामीण के यहाँ, लालदेव शर्मा के यहाँ घर में आग लगा हुआ था, उसमें सिलेंडर भी पड़ा हुआ और इसी बीच में मतलब सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। जो घर में आग बुझाने के लिए गए हुए लोग वो तो बुरी तरह से घायल हो गए। कितने लोग? करीब 10-12 लोग घायल हैं। पैर किसी का टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, बहुत से लोग पूरे जले हुए हैं। क्या कागज वगैरह सरकार ये तो हम नहीं बता सकते, हम पटना से जस्ट आ ही रहे थे गांव में। हम तो भीड़ को इकट्ठा लेके गाड़ी रोके, अच्छा पेशेंट को जल्दी। आग किस लेकर पता चला? हम इसके बारे में कुछ बता दीजिए। कहाँ की घटना है? नौआमा से पूरावा थाना में नौआमा गांव पड़ता है, नौआमा पंचायत है। क्या स्थिति है बाकी सभी लोग? स्थिति तो सर अभी बुरा ही है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी तो कितना महिला लोग दिया है? महिला लोग भी जो बचाने के लिए लोग, आग बुझाने के लिए लोग गए हुए थे, वो लोग जैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसे पूरी तरह से घायल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा हुआ।